आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हमेशा की तरह आपके लिए फिर से हाजिर हैं कुछ टॉप डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नजर डाल लेते हैं, आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि में जो ओरिजिनल बैच है T90 भीष्म का, जो कि भारत का मेन बैटल टैंक है, और ये जो ओरिजिनल बैच है ये रशिया से कम्प्लीटली नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में भारत आया था, और अब इनको अपग्रेड करने की जिम्मेदारी हैवी व्हीकल फैक्ट्री के कंधों पर गई है, जहां पर इसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, इन सब को अपग्रेड किया जाना है। अगर हम बात करें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और ऑक्सिलरी पावर यूनिट का, तो ये इंडिजिनस सिस्टम से अपग्रेड किए जाएंगे, क्योंकि इनको ऑलरेडी भारत में ही विकसित किया जा चुका है। इसके अलावा टैंक में अब नया सी थ्रू आर्मर, कमांडर्स पैनोरामिक साइट और ड्राइवर की जो नाइट साइट है वो भी अपग्रेड करी जाएगी, जो कि ऑलरेडी भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक्स के लिए डेवलप की जा चुकी है। और माना जा रहा है कि धीरे धीरे T90 भीष्म को अपग्रेड्स मिलते रहेंगे। वहीं रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि जो अगले बैच होंगे T90 भीष्म के, जिनको अपग्रेड किया जाना होगा, उनमें और भी कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें लॉटरिंग म्यूनिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव डिफेंस सिस्टम और हाई लेवल की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये उनको प्रदान करी जाएगी। यानी प्लान काफ़ी बड़ा है और एक बड़े पैमाने पर जो अपग्रेड का प्रोग्राम है उसे इनिशिएट कर दिया गया है। अपनी अगली अपडेट में बात करने वाले हैं रशियन एयरफोर्स के SU-35 फाइटर जेट के बारे में, जो कि इस समय यूक्रेन के एयर डिफेंसेस के ऊपर काल बन के बरस रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में ये देखा गया है कि SU-35 काफ़ी ज़्यादा सीड मिशन में इफेक्टिव माने गए हैं, और नवंबर 18 को रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया जाता है, जहां पर देखा जा सकता है कि SU-35 के पायलट्स ने न सिर्फ एक जहाज़ को मार गिराया, बल्कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार स्टेशन था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला क्या है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। रशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो वीडियो सामने आया, उसके बाद जो क्लेरिफिकेशन सामने आई, उसमें ये कहा गया कि SU-35 एक कॉम्बैट मिशन के अंतर्गत एरियल पेट्रोलिंग कर रहा था, जहां पर इसकी जिम्मेदारी थी कि दूसरे जो एरियल एसेट्स हैं, यानी कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स, उन पर नज़र बनाए रखना। लेकिन इसी मिशन के दौरान इसके रेडार पर एक बड़ी मूवमेंट ट्रैक की जाती है, जिसमें एक यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, और उसके बाद S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार स्टेशन है वो इनके रडार के पकड़ में आता है। बिना देरी किए जो SU-35 का पायलट होता है वो मिसाइल्स की सहायता से दोनों टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब बाद में मीडिया में उनसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हथियार है जो अभी तक सबसे इफेक्टिव साबित हुआ, तो उन्होंने बिना हिचक कह दिया कि KS-31, जो कि एंटी रडार मिसाइल है, वो अब तक यूक्रेन के लिए काल बन के बरसी है, क्योंकि इसके नज़र से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बच पाता, और उन्होंने इसे सुपरसोनिक डेथ भी नाम दिया हुआ है। बेसिकली रशिया के एयरक्राफ्ट दो वेरियंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि KS-31A है और KS-31P है, और ये दोनों काफ़ी इफेक्टिव अभी तक साबित हुई हैं। इस समय इंडियन आर्मी में जो अपग्रेड की प्रक्रिया है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ इंडियन आर्मी अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रही है, बल्कि सोल्जर्स की जो प्रोटेक्शन है उसको भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ा वेपन का अपग्रेड और जो उनके साजो सामान का अपग्रेड है, उसके ऑर्डर इंडियन आर्मी के द्वारा प्लेस किए गए हैं। दरअसल इंडियन आर्मी इस समय एक बड़ी खरीद करने की तैयारी में है, जिसमें से इंडियन आर्मी को 15,000 बैलिस्टिक हेलमेट और 5,000 9x19mm की मशीन पिस्टल्स, इसके अलावा 1,612 बैलिस्टिक शील्ड, 7,000 बॉडी वॉर्न कैमरा सिस्टम और 3,400 नाइट साइट चाहिए, जो कि कार्ल गुस्टाफ में इस्तेमाल की जाएंगी। और ये काफ़ी बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये भी यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में इंडियन आर्मी अपने जितने भी ट्रूप्स हैं, फिर चाहे वो स्पेशल फोर्सेज हों या इन्फेंट्री हो, सबको अत्याधुनिक वेपन से इक्विप करने के प्लान में है। इंडियन आर्मी का ये मानना है कि अब हमें अपने समय से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, तभी जा कर के हम जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उनको ईजिली टैकल कर सकेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच में एक एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज का आयोजन भारत में किया जा रहा था, जो कि 18 नवंबर 2022 को समाप्त हो चुका है। इसमें इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो एसेट्स इस्तेमाल किए गए थे, उसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29 UPG, जैगुआर और SU-30 MKI फाइटर्स थे।
वहीं सिंगापुर एयरफोर्स अपने F-16 वाइपर्स के साथ में आई थी। और इस एक्सरसाइज के काफ़ी अहम आयाम भी हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों की वायुसेनाओं ने एक दूसरे के साथ अपने आपसी अनुभवों को साझा किया, नई टैक्टिक्स यहाँ पर प्रैक्टिस करी गई हैं, वहीं आपसी जो समन्वय है वो भी बढ़ाया गया है। और माना जा रहा है कि इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने जो F-16 वाइपर्स हैं इनकी ताकत और इनकी वीकनेसेस के बारे में अच्छी स्टडी करी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वही वाइपर एयरक्राफ्ट हैं जिनको हाल ही में कोलकाता के ऊपर देखा गया था और लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चिंतित हुए थे इनको देख करके। दरअसल वो पूरे की पूरे मूवमेंट कॉम्बैट एक्सरसाइज का ही एक हिस्सा थी। दोस्तों, इस समय डिफेंस के गलियारों में एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या इंडिजिनस प्रोजेक्ट के चलते जो MMRCA प्रोग्राम है इसको रद्द करना पड़ सकता है, क्या इसका भविष्य अधर में लटक चुका है। आइए जान लेते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने इस समय काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उनको क्लियरेंस देनी है, जिनमें से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित करी जानी है। यानी ओवरऑल तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इन दो प्रोजेक्ट्स में आवंटित करी जानी है। और माना जा रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते, चार अलग अलग मेजर प्रोजेक्ट के चलते, शायद हमारा जो MMRCA प्रोग्राम है वो अधर में लटक सकता है। क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि तेजस Mk-1A जो है ये इस समय भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2025 तक जो भारतीय वायुसेना से MiG-21 के जाने के बाद गैप क्रिएट होगा उसको भरने के काम में आएंगे। वहीं तेजस Mk-2 प्रोग्राम हमारे जो Mirage 2000 हैं, MiG-29 हैं और जैगुआर हैं, जो कि 2029 से भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, इनके गैप को भरने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस समय इंडियन एयरफोर्स का जो रुझान है वो तेजस Mk-2 प्रोग्राम की तरफ सबसे ज़्यादा देखा गया है। वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये भी 2026 से अपने फ्लाइट टेस्टिंग को शुरू कर चुका होगा और 2031 तक इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन भी कर चुका होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, तो इसके चार प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे टोटल, जो कि 2026 तक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसका एक एयरफोर्स वेरिएंट और का भी आ सकता है, इसकी अब पूरी संभावनाएँ दिख रही हैं। यानी इंडिजिनस प्रोजेक्ट के चलते शायद हम विदेशी फाइटर्स को इकट्ठा इतनी बड़ी संख्या में ना खरीद सके, क्योंकि इसके लिए जो बजट का इश्यूज है वो हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि भारतीय वायुसेना शायद टुकड़ों में जो एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट है वो कर सके, जैसे कि एडिशनल 36 राफेल F-4 या और भी दूसरे ऑप्शन शायद भारतीय वायुसेना के द्वारा निकाले जाएं। खैर, क्या होता है वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अपने अंतिम अपडेट में बात कर लेते हैं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। हम सबको पता है कि भारत इस समय पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आर्टिलरी सिस्टम और अनमैन एरियल व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। लेकिन एक तैयारी और भी चल रही है और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हमारे आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की। दरअसल BEL और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड इस समय इस तैयारी में है कि क्यों ना डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे मेन बैटल टैंक्स की, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की या आर्मर्ड व्हीकल्स की, इनको पूरा करने के बाद इन्हें जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर भी देखा जाए। जी हाँ, आने वाले भविष्य में आपको भारत जो हमारे मेन बैटल टैंक्स हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं या दूसरे जो रिलेटेड सिस्टम्स हैं वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द आपको भारत के जो आर्मर्ड व्हीकल हैं ये अलग अलग देशों के सर्विसेज में दिखाई भी पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस की रिपोर्ट आती रहती है कि कई देशों की नज़र इन पर बनी हुई है और इस समय भारत इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। तो फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।